जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि उनके हाथ रखने से उनके अच्छे विचार से लोगों की स्थिति में बदलाव आए जो बीमार हैं जिनके बीमारी का पता नहीं चल रहा है ऐसे लोग स्वस्थ हो जाए ऐसी शक्तियाँ दो तरीके से आती हैं एक तो तब जब आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आ जाए मतलब जो सिद्ध लोग होते हैं जब कुछ बोल दिया तो वो हो जाता है दूसरा जब आपका जो शरीर है वो आपके ब्रेन के माध्यम से यूनिवर्सल एनर्जी को कैप्चर कर पाता है और फिर उस यूनिवर्सल एनर्जी को आप हीलिंग पावर के तौर पे उपयोग करते हैं देखो क्या होता है कि बहुत लोग शक्तियों को संग्रहित कर लेते हैं संग्रहित करने के बाद क्या होता है कि आपको जो वो शक्तियाँ हैं वो आपके शरीर के उपयोग के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है और फिर वो शक्तियाँ शरीर को तकलीफ देने लगती है तो काफ़ी साधक होते हैं जो बड़ा दर्दनाक उनका मौत होता है उसका कारण यही होता है कि आपने शक्तियों को ले लिया और उसके बाद अपने शक्तियों को आ, अपने शरीर से बाहर नहीं निकाला तो अंग्रेज़ इसमें भारतीयों से ज़्यादा आज के डेट में तेज़ हैं वो लोग अर्थिंग करते हैं और ग्राउंडिंग करते हैं उसमें क्या होता है जो अनवांटेड एनर्जी होती है वो निकल जाती है हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हमेशा से ये होता है या कि जैसे ही आप शक्तियों को ग्रहण करते हैं उसके बाद उसको जमीन में वापस ग्राउंडिंग ना करते हुए किसी के भले में उसका आप प्रयोग कर दें कोई अगर बहुत दिन से बीमार है तो उसके सर पे आपने मंत्र के साथ हाथ फेरा तो आप के मंत्र के हाथ फे मतलब मंत्र से जो हाथ फेरा उसकी शक्ति से और जो यूनिवर्सल एनर्जी आपने अपने, अपने अंदर में स्टोर कर रखा है वो उसके एनर्जी वैक्यूम को भर देता है और उसके बाद आ, वो जो भी व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है आज माँ भगवती देवी दुर्गा का एक साधना बता रहा हूँ आप लोगों को इसमें भगवती का जो ध्यान होगा वो नीले द्वार के रूप में होगा कि भगवती को आगमन के लिए मैं द्वार खोल रहा हूँ ठीक है तो एक अच्छे स्थान पर बैठ जाएंगे साफ सुथरे स्थान पर दिशा हमारा नॉर्थ रहेगा फेसिंग नॉर्थ और लाल आसन हम बिछाएंगे उस पर हम बैठ जाएंगे ठीक है वस्त्र लाल रहे तो अति उत्तम है नहीं तो वस्त्र कोई भी रहे लेकिन वस्त्र कम्फर्टेबल होना चाहिए टाइट क्लोथ पहन के आप इस साधना को नहीं करेंगे क्योंकि शरीर में शक्तियों का समावेश होगा कहाँ से समावेश होगा देखो इस मंत्र के ध्यान में आप ध्यान करने से पहले देवी का पंचोपकार पूजा करो ठीक है पंचोपकार पूजा में थोड़ा इसमें चेंज होता है कि थो, थोड़ा पुष्प लो थोड़ा आ, रोली लो उसको देवी को चढ़ाओ फिर थोड़ा पुष्प लो थोड़ा सिंदूर लो उसको देवी को चढ़ाओ फिर सिर्फ पुष्प लेके देवी को चढ़ाओ फिर थोड़ा नवेद लेके देवी को चढ़ाओ फिर द्रव्य लेके देवी को चढ़ाओ फिर दो बार जल लेके देवी को चढ़ाओ सबका मंत्र है लेकिन वो सबको करना जरूरी नहीं होता है ठीक है इतना करने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और ऐसा ध्यान करेंगे कि आपका जो थर्ड आई है थर्ड आई का मतलब जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं ठीक है पीनियल ग्लैंड में एक दरवाजा खुल रहा है और सामने नीली रोशनी है ऐसा आपको अपने मन में चिंतन करना है ठीक है और उस द्वार के बाहर आपको देखना है कि आगे क्या हो रहा है दूसरी तरफ एक द्वार आपका ठीक पीनियल ग्लैंड के उल्टे तरफ में खोपड़ी में उसको खोलना है जहाँ पर आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मेडुला ओब्लंग गाटा दिखाई देगा वो जो सर के पीछे में स्थान है वहां पर आप मानेंगे कि एक द्वार खुला है और जो पूरे सृष्टि की जो एनर्जी है वो आपके अंदर भर रही है इस मंत्र के साथ ठीक है तो धूप दीप नवेद कर, कर लिया उसके बाद भगवती का एक माला जो मूल मंत्र का उसका जाप करेंगे ओ, ओम एम ह्रिम क्लिम चामुंडाय विचय ऐंग घृंग क्लिंग नहीं करेंगे हम करेंगे ओम एम रिम क्लिम चामड़ाय विच्छय जिनको इन, इसका ध्यान न्यास आता है वो ध्यान न्यास करके करेंगे ठीक है उसके बाद भगवती का जो जाप है ओम रिम दुम दुर्गाई नमः ओम रिम दुम दुर्गाई नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे सात माला ठीक है सात माला जाप करने के बाद करीब करीब डेढ़ से दो मिनट तक आपको ध्यान में रहना है ध्यान में कैसे रहेंगे कि हम मानेंगे कि हमारा जो कपाल है सामने का उसका जो द्वार है वो खुला है और नीली रोशनी सामने दिखाई दे रही है ठीक और जो पीछे का कपाल है उससे यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर में जो पूरे अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो हमारे अंदर में समाहित होता जा रहा है ये शुरुआत में काफी मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सहज हो जाता है तो ये आप अपने अंदर में इस एनर्जी को समाहित कर लेंगे और उसके बाद जैसे आपको ये विजुअलाइजेशन होने लगे तो आप मंत्र बोलेंगे इक्कीस माला सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुनाश्रयी गुनामयी नारायणी नमोस्तुते ठीक है ये क्यों हम लोग ये साधना करते हैं देखो जो सृष्टि के निर्माण का जो विषय था वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो महादेव हैं वो ध्यानमग्न हैं क्यों ध्यानमग्न हैं क्योंकि वो एब्सल्यूट है उनके बाहर कुछ नहीं है जो खुद ही हैं वो अपने बारे में क्या जानकारी रखेंगे उनको सब जानकारी अपने बारे में तो वो स्थिर होकर के बैठे थे लिंग के रूप में ऊपर से नीचे अनंतकार फिर महामाया का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें हरकत आई ठीक है और फिर सृष्टि का एक निर्माण हुआ तो जब हम ये मंत्र करते हैं और भगवती का आवाहन करते हैं तो वो जो निर्माण की शक्ति है मतलब द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वो हमारे अंदर आ जाता है और जब ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर आता है इक्कीस माल आपको करना है कब तक करना है ऐसे तो अनंत काल तक ये साधना जब तक आप हैं सजीव तब तक, तक करना चाहिए लेकिन कम से कम पैंतालीस दिन का एक जो विधान है उसको हम लोगों को पूरा कर एक बार जब पैंतालीस दिन का आपने ये विधान पूरा कर लिया उसके बाद जो ध्यान है वो काफ़ी आसान हो जाता है मतलब जैसे ही आप अपने आँख को बंद करेंगे वो जो सामने का दृश्य है जो थर्ड आई से आपको दिखना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा और वो जो नीला दरवाज़ा मैंने आपको बताया जहाँ से नीली रोशनी आती है उसके आगे क्या है ये भी आपको दिखने लगेगा तो थर्ड आई जागृत करने का भी एक तरीके से शॉर्टकट है ठीक है लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि एक तरफ जहाँ थर्ड आई से आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं उसी के साथ जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपके अंदर मेडुला ऑब्लांगाटा से आए मतलब जो सर के मस्तिष्क के पीछे का स्थान है जो दो गैप आकर के एक जगह मिलता है मस्तिष्क में वहाँ पर ठीक है तो ये जब दोनों क्रियाएं आप साथ में करेंगे तो आपको अनंत ऊर्जा का आभास होगा आपकी रीढ़ की हड्डी में और आपके हाथों में ठीक है और ये जो आपको एनर्जी का आवास होगा इसको अपने पास समाहित नहीं रखना है इसको लोगों के भलाई में प्रयोग करना है हवन करके भलाई करें आप किसी के सर पे हाथ रख के भलाई करें आप लेकिन इसको अपने में स्टोर करके मत रखना ये यूनिवर्सल एनर्जी है और एक व्यक्ति के ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा होता है तो आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना जुड़ना है मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव अपॉइंटमेंट लेने के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट डॉर्वर धन दर से डॉट एक्साइज या डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू दन डॉट कॉम आप दोनों पे जा सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल ही ऐप डाउनलोड करिए उसमें रुद्रनाथ एट टी एम फो आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही माँ पर आप लोगों की कृपा पर सह रखें ऐसी मेरी कामना है आप सभी जो आदेश आदेश आर